अपडेट नंबर वन, YouTube वीडियो में कैप्शन को लेकर एक पहली अपडेट आ गई दोस्तों। अब इसमें अपडेट में आपको देखने को क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्रिएट इनसाइडर, एक चैनल है जिसपे केवल इंग्लिश वीडियो ही अपलोड होती है। अब ये अपडेट क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि आप ऐसा कोई वीडियो देख रहे हैं जिसमें केवल इंग्लिश में ही, मतलब वो वीडियो है हिंदी, मतलब हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, फिर भी उस वीडियो में केवल इंग्लिश, मतलब पूरा इंग्लिश में ही वो वीडियो है और हमको हिंदी में उसको समझना है। जैसे एग्जांपल में ये क्रिएट इनसाइट चैनल है जिसमें यूट्यूब अपडेट के, यूट्यूब टिप्स के बारे में वीडियो डाला जाता है, पोस्ट किया जाता है, तो इसमें केवल आप वीडियो देखिएगा तो इंग्लिश में ही वीडियो अपलोड होता है। तो मान लीजिए एक पहला वीडियो को मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए सारा वीडियो जो है इंग्लिश में ही, मतलब शो होगा, हिंदी में कोई भी वीडियो नहीं है। तो हमको इसको समझना है तो पहला अपडेट यही है, सिंपली से वीडियो पे आपको क्लिक करना है, ऊपर सेटिंग आइकन पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कैप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पर, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए हिंदी में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसका जो कैप्शन है, देखिए जैसे ही मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पे हिंदी में उसका कैप्शन शो होने लग जाएगा। देखिए You may have seen our recent blog post. देख सकते हैं यहाँ पे इसका हिंदी में कैप्शन शो होने लगा। तो पहली अपडेट दोस्तों ये हो जाएगी कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसमें फुल इंग्लिश में वो वीडियो है, लेकिन हमको अगर हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में उस वीडियो को देखना है तो आप सिंपली से उस जो वीडियो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, तो सिंपली से क्या करना है, उस सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है, कैप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हिंदी है, जापानी है, ऑटो ट्रांसलेट है, बहुत सारा आपको यहाँ पर लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे। पहली अपडेट दोस्तों ये होगी। सेकेंड अपडेट है दोस्तों वीडियो सेटिंग लैंडस्केप को लेकर। तो जैसे मान लीजिए इसमें जैसे यही एक वीडियो है दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं, हम लैंडस्केप में इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लैंडस्केप में कर देते हैं। लैंडस्केप में करने के बाद दोस्तों अब क्या होता था कि पहले हम जैसे ही सेटिंग पे आइकन पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे देखिए छोटा, पहले क्या होता था कि फुल स्क्रीन का यहाँ पे शो होता था और हमको वीडियो देख, मतलब वीडियो हम नहीं देख पाते थे, लेकिन अब क्या होगा कि वीडियो मेरा बैकग्राउंड में चलेगा और यहाँ पे छोटा सा, मतलब आइकन, मतलब यहाँ पे देखिए जो ये कैप सेटिंग है ये छोटा सा, मतलब आधा डिस्प्ले पर शो होगा और साथ में मेरा वीडियो भी चलता रहेगा। तो ये छोटी सी अपडेट है, सोचा मैंने आपको, मतलब मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में भी बता दिया जाए, ऐसे इसकी किसी कोई मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड है दोस्तों ज्वाइन बटन को लेकर, ये उनके लिए ज़्यादा मतलब बेनिफिट है ये, और मतलब उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है जिनका चैनल मोनेटाइज हो, मतलब हो गया है। देखते होंगे कि आप कोई कोई चैनल पर ज्वाइन का बटन लगा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टेक्निकल योगी का चैनल, देखिए यहाँ पे टेक्निकल योगी के चैनल मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखिए उनके चैनल पे ज्वाइन का बटन लगा होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ज्वाइन का बटन लगा हुआ है। कोई भी आप इनके वीडियो को प्ले कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ज्वाइन का, आप लोग देखिए यहाँ पे इनका ज्वाइन का बटन, जैसे ही ज्वाइन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए उनका मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं 159 रुपीज पर मंथ से, मतलब यहाँ पे क्या क्या इसमें आपको फीचर मिलेगा आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब इसमें थर्ड अपडेट ये है कि जो जो चैनल पर अपने बंदा, जो जो मतलब यूट्यूबर अपने चैनल पर ज्वाइन बटन लगा कर रखे हैं, वो अपने ज्वाइन बटन का जो प्राइस है उसको $99 से लेकर $499 तक बढ़ा सकते हैं। पहले ये अपडेट नहीं था, लेकिन अब इसको आप $99 से लेकर $499 तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जब मन जब सेट कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये अपडेट उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जो जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, हमारे लिए तो नहीं है क्योंकि हमारा अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन हो जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और जिन, मतलब जो अपने चैनल पर ज्वाइन का मतलब ऑप्शन लगा रखे हैं, जो ज्वाइन का बटन लगा रखे हैं, मतलब वो ये अपडेट का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। फोन नंबर की बात करें तो फोन नंबर में दोस्तों अपडेट बहुत ही अच्छी है, जैसे मान लीजिए फोन नंबर में अपडेट ये है कि मान लीजिए मैं ये शॉर्ट वीडियो यहाँ पे देख रहा हूँ, अब यहाँ पे शॉर्ट वीडियो मैं देख रहा हूँ, अब यहाँ से हम बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद दोस्तों क्या करता हूँ कि फिर से हम शॉर्ट वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो वो वीडियो मेरा शो नहीं होगा, देखिए यहाँ पे दूसरा वीडियो शो हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसी वीडियो को मैं देख रहा हूँ और यहाँ से मैं बैक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दूसरा वीडियो आ गया। तो अब दोस्तों उस शॉर्ट को हम कैसे देखेंगे जो हमने कुछ देर पहले देखा है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली से आपको लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका हिस्ट्री अब यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए ऊपर हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बगल में व्यू ऑल ऑप्शन है, जैसे आप व्यू ऑल ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आप हिस्ट्री में जो जो भी देखे होंगे सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। हिस्ट्री में जैसे जो जो भी आपने शॉर्ट वीडियो फिलहाल में मतलब देखा होगा, एक दिन पहले, दो दिन पहले, एक घंटा पहले, वो सारा आपको शॉर्ट वीडियो यहाँ पे शो हो जाएगा। हिस्ट्री में आप जितना वीडियो पहले देखे होंगे, एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट पहले, वो सारा वीडियो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। आप हिस्ट्री में सर्च भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है कि आप हिस्ट्री में क्या क्या देखा है, जैसे मान लें हिस्ट्री में मैं सर्च करता हूँ शॉर्ट, तो शॉर्ट वीडियो आपने जितना देखा है वो सारा यहाँ पे देखिए शॉर्ट वीडियो शो हो जाएगा, जितना आपने शॉर्ट वीडियो देखा है। तो ये बहुत ही अच्छी है और भी बहुत सारा इसमें फीचर है। उसका दोस्तों इसमें एक और मतलब अपडेट है
कि हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से बैक आते हैं और जिनके चैनल को हमने सब्सक्राइब किया है सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर देखिए ऑल है, टूडे है, कंटिन्यू वॉचिंग है, ऑन वॉच लाइव पोस्ट है, ये तो आपको देखने को मिलता ही है। अब यहाँ पर जिन जिन चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है उन उन चैनल पर क्या पोस्ट हुआ है, उनकी क्या रिसेंटली वीडियो है, उन्होंने क्या अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, उन्होंने कौन कौन से स्टोरी लगाए हुए, यहाँ पे सारा कुछ शो हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही मस्ट अपडेट मेरे को लगी दोस्तों। बात करें 5 नंबर अपडेट की, तो 5 नंबर के अपडेट में दोस्तों क्या होगा, ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी भी वीडियो को प्ले कर देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए इस वीडियो को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जैसे ही मैं इस वीडियो के स्क्रीन पे प्रेस करूँगा अपने अंगुली से, यहाँ पे जैसे ही इसको आगे पीछे करूँगा, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ होगा। अब ग्राफ से ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर, जहाँ पर ग्राफ इसका ऊँचा होगा या इसका मतलब वहाँ पर वीडियो को सबसे लोगों ने जो है पब्लिक रहे उस वीडियो को वहाँ पर सबसे अधिक देखा है। जहाँ पर ग्राफ सबसे नीचे होगा इसका मतलब कि लोगों ने वहाँ पर वीडियो को मतलब थोड़ा सा भी नहीं देखा है। तो इससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि वीडियो में जो मेन पार्ट है, मेन पॉइंट है, वो कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ग्राफ जहाँ जहाँ पे ऊपर है वहाँ पे इनका वीडियो अधिक चला है। तो ये ग्राफ का भी ऑप्शन सारे यूट्यूब चैनल पे आ गया है, लेकिन कुछ कुछ यूट्यूब चैनल पर अभी नहीं आया है। अब दोस्तों बात करते हैं 6 नंबर और लास्ट अपडेट की। तो 6 नंबर लास्ट अपडेट में दोस्तों ऑप्शन पर आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। जैसे आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर योर चैनल पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर कुछ आपको बदला देखने को मिलेगा। जैसे आप, मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ, तो वीडियो पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए कुछ ऊपर आपको इंटरफेस चेंज मिलेगा। शॉर्ट बाई का एक इंटरफेस न्यू जुड़ गया है। वीडियो आपने जो अपलोड किया हो वीडियोज पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा वीडियो शो हो जाएगा। शॉर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा यहाँ पे शॉर्ट वीडियो शो हो जाएगा। उसके बगल में एक ऑप्शन मिलेगा लाइव का। अगर मैंने अपने चैनल पर लाइव वीडियो एक भी नहीं आया, मैं एक बार भी लाइव नहीं आया हूँ, इसलिए लाइव का ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपने चैनल पर लाइव आए होंगे तो आपका यहाँ पर लाइव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही लाइव का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आप अपने चैनल पर जितने भी लाइव आए हैं जितने बार, वो सारा लाइव वीडियो आपका शो हो जाएगा। तो मेरा केवल शॉर्ट बाई है, वीडियो है और शॉर्ट्स है। तो जैसे ही शॉर्ट बाई पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिसेंटली अपलोडेड वीडियो मैं देख सकता हूँ, पॉपुलर वीडियो देख सकता हूँ, और ये अपने चैनल का मैं केवल देख रहा हूँ। अगर आप किसी दूसरे के चैनल का देखना चाहें तो आसानी से ये देख सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी अपडेट है। तो ये कुल मिलाकर 6 अपडेट है दोस्तों, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके बता दिया है, एक्सप्लेन में ज़्यादा नहीं बताया है। अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे अपडेट पर एक एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा एक एक करके जो आपको समझ नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।